हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की। 2.5% के आसपास ही गिरावट स्टॉक में हो चुकी है। 70 रुपए के आसपास स्टॉक आ गया है हमारा 92-93 रुपीज से। तो बहुत भारी भरकम यहां पर लॉस हो चुका है। अभी करना क्या है, यहां पर निकलना कोई सही डिसीजन होगा या नहीं, मैं अभी बता दूं। यहां पर मैं निकलने की बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। और अगर आपकी स्ट्रेटजी निकल जाने की है, आप ये सुनने आए हो, तो यार देखो यहीं पर छोड़ दो। मैं वो कुछ और बताने वाला हूँ। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह मेरी हालांकि रहेगी, और उसके बाद क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा मैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। एंड यस, कल वीडियोज नहीं आ पाए थे, सॉरी फॉर दैट। हम मुंबई में है यहाँ पर, एंड यहाँ पर यार थोड़ा सा ऑफिस में काम चल रहा था। COVID-19 की वजह से सबको लेकर जाया गया था चेकअप के लिए, एंड सबकी रिपोर्ट हालांकि ठीक ठाक आ गई है, तो इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। तो कल इसीलिए सारा ऑफिस बिजी था चेकअप्स में। तो अभी यहाँ से वीडियोस आएंगी, स्टॉपेज नहीं लगेगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक की, तो आप देखो यार कि स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही थी। 92-93 रुपीस का स्टॉक था हमारा, वहां से लगातार डाउन ट्रेंड बना है हमारा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं एक्सटर्नली, इंटरनली अभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि जब 90 रुपीज का स्टॉक था, 92 रुपीज का स्टॉक था हमारा, उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से कॉल्स आए थे। CLSA ने भी यहाँ पर 128 रुपए का टारगेट दिया था, जब 90 रुपीज का स्टॉक था हमारा, है ना। तो और मोतीलाल ओसवाल हो गया, निर्मल बैंक हो गया, इन सब ने बड़े हाई फाई टारगेट्स दिए थे बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। तो अब वो लोग जो टारगेट देते हैं वो इस तरह से देते नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर की तरह की अगर रैली में स्टॉक है बाय कर लो, बढ़ रहा है 2-4-10% तो बन ही जाएगा। वो लोग अगर डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउसेस कोई कॉल देते हैं तो वहां पर रिसर्च रिपोर्ट होती है बहुत अच्छी, और वो रिसर्च रिपोर्ट में लिखा होता है कि उसके पीछे के रीजंस क्या है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे बैंक ऑफ बड़ौदा के, अभी भी आप देखोगे यहाँ पर, तो ड्यूरेबिलिटी स्कोर यानी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत ही बेहतरीन है। वैल्यूएशन की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा में जितनी ब्रांचेज है, जितना इसका हेफ्टी लोन बुक है, वो सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन है। अफोर्डेबल वैल्यूएशन पर इस समय पर भी आपको स्टॉक मिल रहा है। अगर यहाँ पर भी अगर आप बाय करते हो तो बेहतरीन प्रॉफिट आपको कमाने का मौका मिलेगा। बट एक चीज जो आपको नोट करनी है यहाँ पर, एक चीज नहीं, 2-3-4 चीजें हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली, वो इसलिए क्योंकि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, और अगर जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मैं एंट्री करने के लिए मना करता हूँ आपको। लास्ट वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट टर्म में एंट्री लेने के लिए मना किया था, हालांकि बहुत सारे लोगों ने एंट्री नहीं ली है, वो खरीदने वाले उनके मैसेजेस आए थे हमारे पास, बट दे सॉ द वीडियो एंड उन्होंने फिर नई खरीदारी करी वहां पर, और उसका फायदा भी उन्हें मिला कि इस वीक में जो गिरावट हुई है उससे हालांकि वो बच गए हैं। देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने 92-93 रुपीज के आसपास खरीदारी करी थी, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं खरीदना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। उसके पीछे के रीजंस की बात हमने पहले ही की है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांचेस हो गए, लोन बुक हो गए बहुत हेफ्टी है, जो इनका एनपीए है बहुत कंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है, जो इनका मार्जिन है वो बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है इस बैंक में, और इसी वजह से इसमें बाय रिकमेंडेशन थी बहुत सारे और भी लोगों की तरफ से। यहाँ पर बात करते हैं चलिए सबसे पहले कि गिरावट क्यों हो रही है, गिरावट के पीछे का कारण क्या है। देखिए अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप किसी और स्टेट में हैं जहां पर कोविड केसेस नहीं है, तो आपको नहीं पता है कि कोविड की कितनी वर्स्ट सिचुएशन यहां पर हो गई है। बट जो लोग मुंबई में हैं हमारी तरह, उनको पता है कि यहां पर कितनी बुरी सिचुएशन है और यहां पर कितना बुरा हालात हो रखे हैं, जिसकी वजह से हमें ऑफिसेस को छोड़ करके दोबारा से वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट करना पड़ा है, एंड उसकी वजह से कल की वीडियोज भी इंटरप्टेड रही है, चेकअप्स हुए हैं दोबारा से, हालांकि सबकी रिपोर्ट ठीक ठाक आई है, वो अच्छा रहा है। तो कोविड की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है और वो एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। वैक्सीनेशन का काम अभी नहीं उतना ग्राउंड पे आया है, 1 अप्रैल से तो 45 के ऊपर वालों को लगेगा, जो कम एज के हैं, जो 24-25-28 के हैं, उनको लगने में अभी समय लगेगा, और वही लोग मार्केट में एक्टिव है। तो आप लोग अगर उस एज में आते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, मार्केट में गिरावट COVID-19 की सिचुएशन की वजह से हो रही है मोस्टली। सेकंड रीजन की चलिए बात करते हैं, सेकंड रीजन क्या है, स्टॉक मार्केट में गिरावट है कोविड की वजह से, स्टॉक मार्केट में गिरावट है 1.5% निफ्टी, 1.5% सेंसेक्स, तो वो प्रॉब्लम कर रहा है हमारा। आप देखिए कि मार्केट में अगर गिरावट होगी, सेंसेक्स में गिरावट हो या निफ्टी में गिरावट हो हमारी, उसका असर हमें छोटे मोटे स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। इस समय पर बैंक ऑफ बड़ौदा में ही नहीं, किसी भी और बैंक में देखेंगे, किसी भी और स्टॉक में देखेंगे, बड़े अच्छे स्टॉक्स में भी गिरावट हुई है। IOC हो गया, मारुति हो गया, कोल इंडिया, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे स्टॉक्स आप देखिए कितने भारी भरकम स्टॉक है, 3-3% की, हिंदुस्तान यूनिलीवर में 3% की गिरावट है। तो गिरावट का माहौल जो बन रहा है वो बहुत सारे बाकी रीजंस की वजह से भी बन रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क होकर चलना है, क्योंकि कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसका असर हमें साफ तौर पर मार्केट पर दिखता ही है। तो स्टॉक मार्केट में गिरावट है, सेकंड रीजन हो गया हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। आप क्रूड ऑयल प्राइसेस को देखोगे तो खबर दोबारा आई है,
ओपेक प्लस कंट्रीज जो है हमारी, उन्होंने बोला कि वी विल कीप अर्ली डाउन ऑयल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने कहा कि वी लाइकली डिसाइड टू कीप ऑयल प्रोडक्शन इसेंशियली स्टडी फॉर अनदर मंथ, एक और महीना इसी लेवल पर प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन कम रहेगा तो फिर डिमांड ज्यादा है क्योंकि, तो प्राइसेस में तेजी देखने को मिलेगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेजी आएगी, उसके साथ साथ फिर स्टॉक मार्केट में गिरावट भी आएगी ही। तो ये दो बड़े रीजन है जिसकी वजह से डर का माहौल फैल रहा है स्टॉक मार्केट में और उसकी वजह से गिरावट है। अब थर्ड रीजन की अगर हम बात करें जो कि है बॉन्ड यील्ड, अगर इक्विटी बाजार में गिरावट होगी तो बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिलेगी और वही हो रहा है, एंड वाइस वर्सा भी होता है। अगर बॉन्ड यील्ड में तेजी आएगी तो उसकी उसका क्या होगा सर कि जो लोग इक्विटी में इन्वेस्टेड है वो बेच के अपना पैसा बॉन्ड में लगाना स्टार्ट कर देंगे, उन्हें लगेगा इक्विटी बाजार में गिरावट आने के चांसेस बढ़ गए हैं और उसी की वजह से यहाँ पर लगातार ये तीनों रीजन स्टॉक मार्केट को डाउनवर्ड लेकर जा रहे हैं और वो बड़ा रीजन बन रहा है जिसकी वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। अब चौथे रीजन की बात करते हैं FIIDII, ये थोड़ा सा चौथा रीजन भी है गिरावट का भी, एंड चौथा रीजन है आपको स्टे करने के लिए रुकवाने का भी। आप देखिए अगर आप बेचने वाले हैं तो यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जब मार्केट उछाल पे था तब हमने आपको ये व्यू दिखाया था, ये सिनेरियो दिखाया था, वहां पर क्या था कि जब मार्केट तेजी में था तो FIIII जो थे वो खरीदारी कर रहे थे लगातार और जो DII थे वो बिकवाली कर रहे थे। अब यहाँ पर जब मार्केट गिरावट में है और प्राइसेस कम पर मिल रहा है तो DII जो है हमारे वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, एंड FIIII की बात करें तो वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो ये समझदारी वाला काम DII यहाँ पर कर रहे हैं कि मार्केट में अभी स्टॉक्स जो है वो कम प्राइस में मिल रहे हैं और वो लोग उठा रहे हैं भर भर के माल। FIIs को 2000 करोड़ का माल बेचा है जब प्राइसेस डाउन आ गए, जब हाई थे तब ये लोग खरीद रहे थे। तो यही चीज आपको भी करनी, आप खरीदारी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट होल्ड करके चलो, होल्ड करके चलोगे तो बढ़िया प्रॉफिट आपका आने वाले समय में बनेगा। जिन लोगों ने लास्ट ईयर लॉकडाउन को देखते हुए, मार्केट में गिरावट को देखते हुए लॉस में बेच दिया था, लॉकडाउन खत्म हुआ, मार्केट में रिकवरी आई और बेहतरीन 52 वीक्स हाई टच करने स्टार्ट कर दिए स्टॉक्स ने, उसके बाद काफी पछतावा हुआ उन्हें, वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी है। स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो स्टे इन्वेस्टेड, अच्छे खासे फंडामेंटल्स इस स्टॉक के, इस कंपनी के, और यहां से मुझे लगता है कि जल्दी ही रिकवरी भी मार्केट में भी आएगी और स्टॉक्स में भी आएगी। ठीक है, अब देखिए 18-19% का यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज है, 57 मिलियन शेयर यहाँ पर सिर्फ NSE पर बाय किए गए हैं, ट्रेड किए गए हैं सॉरी, और 10 मिलियन के आसपास की डिलीवरी परसेंटेज है। तो लगातार डिलीवरी परसेंटेज भी बेहतरीन है हमारा, और डिलीवरी परसेंटेज अगर अच्छा रहता है तो इससे ही पता लग जाता है कि यार यहाँ पर कितनी जल्दी और कितनी तेजी से रिकवरी आने के चांसेस हैं, तो वो फॉलो कीजिए आप। अब बात चार्ट की करें तो देखिए 44 EMA के अगर हम बताएं आपको तो यहाँ से ये 67 रुपीज का हमारा एक सपोर्ट बनता है, यहाँ पर अपर साइड के 76 को अगर क्रॉस करता है हमारा स्टॉक, उसके बाद ही बुलिश ट्रेंड आएगा इस स्टॉक में और उसके बाद ही आपको यहाँ पर खरीदारी करने का फायदा भी मिलेगा। ठीक है, तो खरीदारी नहीं करनी है इस समय पर, करते हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना है। और इसी के साथ फिर होल्ड करने की सलाह रहेगी हमारी, आपकी क्या राय है लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।